दोस्तों रेड के सक्सेस के बाद ये बॉलीवुड में अमंग द मोस्ट वांटेड डायरेक्टर्स हो गए और अब इनकी फिल्म इंडियाज मोस्ट वांटेड रिलीज होने को है, इस शुक्रवार को रिलीज होने जा रही है। सो आज हमारे स्टूडियो में इसी फिल्म के डायरेक्टर है, लेट्स वेलकम राजकुमार गुप्ता। वेलकम टू ETC बॉलीवुड बिजनेस। थैंक यू सो मच। द सक्सेस ऑफ रेड, कुछ बदल गया उसके बाद? सर, जैसा कि आप जानते हैं अपने इंडस्ट्री में तो चीज़ें बदलती हैं, सक्सेस स्पीक्स मोर देन एनीथिंग एल्स। बट आई थिंक ऐसा नहीं है कि लोग बहुत सक्सेस, लोग पहले भी इज्जत देते थे, पहले भी काम करना चाहते थे। तो रेड से ये हुआ कि थोड़ा विश्वास और हो गया सब्जेक्ट्स को लेके, चीज़ों को लेके, तो वो एक वेलकम चेंज थी। और रेड के सब्जेक्ट जो आपने फाइनलाइज किया, रेड का सब्जेक्ट और अब इंडियाज मोस्ट वांटेड का सब्जेक्ट, सिमिलर पैटर्न था या किस तरह से दोनों सब्जेक्ट्स फाइनलाइज किए? नहीं, रेड तो खैर मेरे पास कहानी कुमार जी जो प्रोड्यूसर थे वो लेकर आए थे। अच्छा। इंडियाज, इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि इंडियाज मोस्ट वांटेड मैंने 2013 में रिसर्च करनी शुरू की थी, क्योंकि अच्छा। ये उस 2013 के इंसिडेंट से इंस्पायर्ड है। तो करीब 3 साल लगे लिखने में, रिसर्च करने और लिखने में इंडियाज मोस्ट वांटेड को। उसके बाद मैं बीच में रेड करने लगा और रेड खत्म होते ही फिर वापस मैं आप इस पर, वापस इस पे आया। तो ऐसी क्या बात थी कि आपको इतनी दिलचस्पी हो गई कि 2013 से आप काम कर रहे हैं एंड आपने छोड़ा नहीं? कभी कभी ऐसे होता है आप एक स्क्रिप्ट पर काम करना शुरू करते हैं, फिर दूसरी आ जाती है, वो बैक बर्नर में चली जाती है, कभी बनती नहीं है, कभी वापस सबकॉन्शियस माइंड से कॉन्शियस माइंड में जी आती जी है, नहीं जी आती है, इसके बारे में ऐसा क्या था? देखिए, इसके बारे में एक खासियत ऐसी थी कि ये कहानी जो थी वो थी कैप्चर ऑफ इंडियाज मोस्ट वांटेड टेररिस्ट, जो कि इंडियाज ओसामा कहा जाता था, इंडियाज घोस्ट हु बॉम्ब्स कहा जाता था, जिसने करीब 12 शहरों में सीरियल ब्लास्ट किए थे, जिसमें करीब 300-400 लोग मारे गए थे और करीब 1,000 लोग घायल हुए थे। तो ये समझ लीजिए कि ये पहला सर्जिकल स्ट्राइक था विदाउट फायरिंग अ सिंगल बुलेट, विच कैप्चर्ड इंडियाज ओसामा। तो दैट वॉज समथिंग विच रियली रियली इंटरेस्टेड मी। ऐसे तो बहुत बार होता बुलेट है। बिल्कुल नहीं चली। जी बिल्कुल नहीं, ये एक बड़े ही ह्यूमन लेवल पे हुई, जो कि जैसे इंटेलिजेंस ब्यूरो काम करती है, जैसे रॉ या इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो लोग काम करते हैं, वो कभी ऐसा नहीं होता कि गन लेकर आते हैं। उनकी जो खासियत ये है कि वो बिना कुछ हो हल्ला मचाए ही अपने, वो जैसे होते हैं कि शेर की तरह आते हैं वो, छुप के आते हैं, अपने उसको नापते हैं और उसको दबोच कर निकल जाते हैं। तो ये उस तरह का एक मिशन था जिसमें गन्स चले नहीं। यूनिकनेस ये थी कि लोग खुद अपने अपना पैसा लगाकर, मतलब दे पुल्ड इन देयर ओन मनी टू गो एंड कैप्चर इंडियाज मोस्ट वांटेड। सो दैट वाज अ वेरी इंस्पायरिंग। ऐसा लगा कि ये चार जो हम जैसे लोग हैं, जो आपके घर के बगल में रह सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं, कोई भी हो सकता है, भीड़ में कोई भी इंसान हो सकता है, और बड़े ह्यूमनिस्ट कहानी थी ये। तो ये देखकर हमें लगा कि ये बहुत ही अनसंग हीरो की एक इंस्पिरेशनल कहानी थी, जो मैं कहना चाहता था। आजकल यानी पिछले 5-7-8-10 सालों से इस प्रकार की कहानियां लोगों को पसंद आने लगी है, जी चाहे वो जी एयरलिफ्ट हो या यू जी नो दिस जी काइंड ऑफ स्टोरीज जी हैव स्टार्टेड इंस्पायरिंग पीपल। क्या इसी वजह से आपने भी इस कहानी को चुना या इन इररिस्पेक्टिव ऑफ क्या चल रहा है क्या नहीं चल नहीं रहा है? देखिए, मेरी अगर आप पहली मेरी फिल्मोग्राफी देखें तो आमिर भी करेक्ट। रियल लाइफ सिचुएशन से इंस्पायर्ड थी, नो किसी वन किल्ड पर्टिक जैसिका नो आल्सो। वन किल जैसे का भी इंस्पायर्ड। तो मैं तो इस जॉनर में फिल्में बना ही रहा हूँ, तो मेरे लिए वो मायने नहीं रखती कि कौन सा समय चल रहा है, कौन सा नहीं समय चल रहा है, क्योंकि आप भी इस बिजनेस में, आपको भी पता है कि ऑडियंस जो है वो एक अच्छी कहानी देखना करेक्ट चाहती है, करेक्ट। और वो कहानी देखना चाहती है जो आपके दिल को टच कर जाए या किसी भी तरीके से आपको टच करे। तो ये जो भी कहानियां मैंने कही हैं, जो भी फिल्में मैंने बनाई हैं, उसमें कहीं ना कहीं कोई कहानी है जो मुझे टच कर जाती है, उसके बारे में फिल्में बनाई। कहीं ना कहीं वो ऐसी कहानी है जो मुझे लगता है लोगों तक लेकर आनी चाहिए, चाहे अगर आप नो वन किल जैसिका देख लें या रेड देख लें और अब ये इंडियाज मोस्ट वांटेड। तो मुझे लगा कि मैं किसी चीज़ से प्रभावित नहीं हुआ, सिर्फ उस चीज़ से प्रभावित हुआ जिसे मुझे लगा कि ये कहानी कही जानी चाहिए। ये हमारे लोग हैं जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं, जी जिनके बारे हाँ में हम जानते नहीं, जो क्लेम भी नहीं करते कि वो हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और आज करेक्ट। हम एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में जी रहे हैं उनकी वजह से। तो मुझे लगा कि एक ऐसी कहानी है जो कही जानी चाहिए, इसलिए कहा। जनरली पता क्या होता है, जब एक फिल्म सक्सेसफुल हो जाती है जैसे आपकी रेड हुई, जी तो उस डायरेक्टर या उस प्रोड्यूसर और हीरो के बीच में तालमेल बढ़ जाता है जी और जी तालमेल बहुत अच्छा हो जाता है। तो अक्सर ऐसा देखा गया कि अगली फिल्म जो डायरेक्टर चुनता जी है जी वो उसी हीरो के पास जाता है जी कि मेरे पास एक और सब्जेक्ट है, मैं जी आप ही के साथ बनाना चाहता हूं, और जी बहुत जी बार हो जाती है ये जी बात, जी जी तो उस लिहाज से
आपने अजय देवगन को सबसे पहले अप्रोच किया या ये फिल्म के लिए अजय देवगन को सोचा ही नहीं? नहीं, देखिए क्या थी कि जब मैं, जैसा मैंने कहा, मुझे 4 साल लगे, तो मुझे रेड के शूटिंग के दौरान मुझे पता था कि अजय सर के कमिटमेंट्स हैं, आगे के कमिटमेंट्स हैं, तो हम लोगों ने कभी इस सब्जेक्ट पे बात ही नहीं की। अच्छा। क्योंकि मुझे रेड के बाद ये फिल्म इमीडिएटली बनानी थी, क्योंकि मैं 3-4 साल से ये कहानी कहने को मैं तैयार हो रहा था, और मुझे लगा ये मेरे लिए राइट टाइम है ये कहानी कहने के लिए, तो ऐसा कभी डिस्कशन हुआ ही नहीं। और जैसा कि आप जानते हैं, अजय सर के साथ बहुत मजा आया रेड करने में, इवन प्रोड्यूसर के साथ मजा आया काम करने में, लेकिन इस सब्जेक्ट को लेकर कभी बात निकली नहीं, क्योंकि मुझे पता था कि उनके अलग कमिटमेंट्स हैं, वो बिजी हैं अपने कमिटमेंट्स के साथ, और मुझे ये फिल्म जल्दी बनानी थी। कितना मुश्किल हो जाता है, जैसे आप जैसे डायरेक्टर्स आप फ्रीलांसर्स, यू नो, आप एक प्रोजेक्ट इसके साथ बना लेते हैं, इस हीरो के साथ, इस प्रोड्यूसर के साथ, दूसरा प्रोजेक्ट जब तैयार होता है आप सोचते हैं मैं इस प्रोड्यूसर के साथ जाता हूं और मैं इस हीरो के साथ, कितना मुश्किल हो जाता है उस ग्रुप से हट के और कहीं जाना? कहीं ये दिमाग में बात आती है कि मेरे जो पुराने प्रोड्यूसर हैं वो क्या सोचेंगे या मेरा हीरो क्या सोचेगा, सबसे पहले मुझे उनकी राइट ऑफ रिफ्यूजल जिसे कहते हैं उन्हें देना चाहिए, ऐसा सोचते हैं, या प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट एंड देन एक बार प्रोजेक्ट खत्म हो गया तो फिर बात नहीं? जी देखिए, हमेशा ये होता है कि लकीली मेरे जितने भी लोगों के साथ मैंने काम किया है, चाहे राजीव खंडेलवाल हो, चाहे विद्या रानी हो, चाहे इमरान और विद्या हो या अजय सर हो, तो सबके साथ मेरा अच्छा रिलेशनशिप रहा है। जिस दौरान हम लोग फिल्में करते हैं वो मैं पूरा कमिटेड हूँ उस फिल्म को लेकर, चाहे वो एक्टर हो, चाहे प्रोड्यूसर्स हों, और एज अ डायरेक्टर मेरे लिए वो ज़्यादा वर्क करता है कि मैं अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग सिस्टम में मैं काम करूं, क्योंकि पर जब काम करता हूं तो बस मैं उनके साथ ही काम करता हूं और उनके साथ ही कमिटेड रहता हूं, और कहीं ना कहीं उनको भी वो सिंसियरिटी, उनको भी वो हार्डवर्क दिखता है, इसीलिए हमेशा वो इच्छा रहती है कि चलो इस फिल्म के बाद कुछ और कर लेंगे या उसके बाद कुछ और कर लेंगे, तो एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट बना रहता है उससे, जो बहुत जरूरी है। अर्जुन कपूर फर्स्ट चॉइस थे? देखिए, जब मैं कहानी लिख रहा था और जब कहानी ख़त्म हुई, जब लिखना ख़त्म हुआ और रेड के बाद जब अर्जुन का फ़ोन आया मुझे, रेड के ट्रेलर पे उन्होंने मुझे फ़ोन किया कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए। अच्छा। और हम बातें करते रहते थे कभी, 3-4-5 साल से मैं उनको जानता हूँ, तो हम बात कर रहे थे कुछ करने का साथ में, तो जब उन्होंने मुझे फ़ोन किया, और तभी मैं एकदम प्रिपेयर ही हो रहा था बिकॉज आई वॉज गेटिंग आउट ऑफ रेड एंड गेटिंग इन टू समथिंग न्यू थिंकिंग कि आगे क्या करना है, तभी उनका मुझे फ़ोन आया। तो कैरेक्टर एक ऐसा था जो एक आईबी ऑफिसर का था, जो कि बहुत ही रेगुलर दिखने वाले आईबी ऑफिसर का, भीड़ में मिल जाने वाले आईबी ऑफिसर का, ऐसा इंसान जो स्टैंड आउट नहीं हो, करेक्ट, जिसे देखकर ये ना लगे कि जो अट्रैक्शन अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। तो मुझे ये लगा कि एक बड़ी इंस्टिंक्टिवली मुझे उस फोन पे मुझे याद आया कि मैं वो करना चाहता हूं, तो मैंने उनको कहा कि मेरे उसी पास फोन कॉल में मैंने उनको कहा कि मेरे पास एक स्क्रिप्ट है, आप पढ़ लीजिए, जस्ट सी अगर आपको ये इंटरेस्ट करता है, यू लाइक इट। तो मैंने उनको, मुझे याद है, मैंने उनको 12 या 1 बजे स्क्रिप्ट भेजा और उन्होंने मुझे करीब 5-6 बजे मुझे फोन करके कहा कि आई लव द स्क्रिप्ट और मैं लेट्स डू दिस टुगेदर। तो ये इसकी कहानी है। तो आपको उस समय लगा होगा कि मेरी रिसर्च हैज बोर्न फ्रूट्स, या रिसर्च राइटिंग, क्योंकि और उससे जरूरी थी कि जो कहानी थी वो बहुत ही टचिंग थी, ऐसी थी जो कि रियल थी, और उसी तरीके से ये सब मिशंस होते हैं। ये सब मिशन उस तरह नहीं होते कि शुरू से ही आप बंदूक, गोली, बारूद कान में वो लगाकर, वो उस तरह से ये मिशन नहीं होते। ये मिशन उस तरीके से होते हैं जहां से आपको पता भी नहीं चलेगा और वो आपको उठाकर लेके कर जाएंगे, और पीछे का वर्क क्या होता है आपको पता भी नहीं चलेगा। दैट इज वाई इट वॉज रिमार्केबल। और जिस तरीके से इस आदमी को पकड़ा गया और जिस तरीके से इसने जितने लोगों की जान ली थी, कितने लोगों की जाने गई, कितने परिवार बर्बाद हुए, कितने लोग इफेक्टेड हुए, और उसको कैप्चर अगर नहीं किया जाता तो आज भी वो सीरियल ब्लास्ट हो रहे होते। जब से उसे कैप्चर किया गया उसके बाद से सीरियल ब्लास्ट हुए नहीं। कंट्रीब्यूशन इज इमेंस, एक्चुअली इट्स इमेंस। इट इज वन ऑफ दोस सर्जिकल स्ट्राइक विदाउट फायरिंग अ सिंगल बुलेट। सुपर्ब। जैसे आपने कहा कि बहुत ही नॉर्मल कोर्स में ये बातें हुई, सिनेमा इज लार्जर देन लाइफ, सिनेमा में आपको हर चीज को ड्रामेटाइज करके बताना पड़ता है। अब इस कहानी की जो आपने रिसर्च की और आपने लिखी, इस कहानी का मेन स्टे ये है कि रोजमर्रा के जीवन में जो क्या क्या हो रहा है, तो इसमें
कहीं शूट करने में आपको ऐसे लगा कि ड्रामेटाइज करना थोड़ा गलत हो जाएगा? सिनेमा मीडियम में कैसे अडाप्ट की इस प्रकार की कहानी? देखिए, मैं अगर मेरी फिल्में देखें तो उसमें एक बैलेंस लाने की कोशिश करता हूं मैं, जो रियलिटी है और जो फिक्शनल एलिमेंट है उसको मिलाकर। तो इस फिल्म में भी वही किया गया है। सिर्फ ध्यान इस बात का रखा गया है कि जो लोगों के इमोशन हैं या जो उस इंसिडेंट का इमोशन है या लोगों के इमोशन हैं, उससे ज़्यादा छेड़छानी खानी न की जाए। ज़्यादा जो जो फैक्ट्स हैं उसको ज़्यादा तोड़ा मड़ोड़ा ना जाए। जिस तरीके से ये लोग काम करते हैं, चाहे पुलिस हो, आईबी हो, रॉ हो, बाकी जो हमारी एजेंसीज हैं जो अपने जान पे खेल कर ये सब काम करते हैं, उनको कैरिकेचरिश न दिखाया जाए। उनको ये एक ट्रिब्यूट दिया जाए कि जो उन्होंने काम किया है और जो हमें बचाने के लिए जो वो काम करते हैं। तो इन सब बातों का ध्यान रखा गया है। पर जैसा कि आपने कहा कि ये एक सिनेमा है, तो एक सिनेमैटिक फॉर्म में लाने के लिए उन सब चीजों को मैंने इंक्लूड करने की कोशिश की है जिससे ये फिल्म सिनेमैटिक लगे। जो टाइम एंड स्पेस में जो कहते हैं कि उसको सिनेमा को, उसको फैक्ट्स को लाने की कोशिश की गई है और एक एक्सपीरियंस बनाने की कोशिश की गई है फैक्ट्स को फैक्चुअल रखते हुए। और हीरोइन की या दूसरे किरदारों की जरूरत मतलब थी, नहीं थी? देखिए, दूसरे किरदार तो ऑफ कोर्स हैं फिल्म में, लेकिन हीरोइन, क्योंकि ये कहानी जो है वो करीब 70-72 घंटे की कहानी है फ्रॉम द टाइम जब ये निकलते हैं इस को लाने के लिए, पकड़ कैप्चर करने के लिए, तो उसमें रिक्वायरमेंट नहीं लगी। उसमें ऐसा नहीं लगा कि एक हीरोइन की जरूरत है, वो अगर करता मैं तो एकदम जबरदस्ती होती, तो इसलिए इसमें रिक्वायर्ड नहीं थी, इसलिए किसी हीरोइन की जरूरत नहीं पड़ी इसमें। आज से 10 साल पहले इस प्रकार की फिल्म आप बना सकते थे या फिर थोड़ा डेकोरेट करके एक हीरोइन को घुसाने की कोशिश करते, दो गाने दे देते? देखिए, मैं आपको एक इंसिडेंट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसिडेंट बताऊंगा। मैं कहीं बैठा था तो मैं एक प्रोड्यूसर, मेरे जाने माने अच्छे प्रोड्यूसर मुझे मिले, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप कौन सी फिल्म कर रहे हैं, तो मैंने कहा ये कर रहा हूँ मैं। उन्होंने कहा एक्टर कौन है, मैंने कहा अर्जुन कपूर है। उन्होंने कहा हीरोइन कौन है, मैंने बोला सर इसमें हीरोइन नहीं है। तो हीरोइन नहीं है, एंड ही कुडंट स्पीक फॉर नेक्स्ट 10 सेकंड। सो आई कैन अंडरस्टैंड वो रिएक्शन आएगा, पर इस कहानी में जरूरत नहीं पड़ी। इस कहानी में अगर जरूरत होती तो जरूर रखता, पर अगर वो कहीं किसी तरीके से लाने की कोशिश होती तो ऐसा लगता कि ये जबरदस्ती का डाला हुआ है, फोर्सफुली है, और कहीं ना कहीं लोगों को पसंद नहीं आती वो एंगल। तो जो कॉर्पोरेट हाउस आपसे आपके साथ जुड़ा, बॉक्सा स्टूडियोज, उनकी तरफ से कोई दबाव आया या उन्होंने फर्स्ट शॉट में एग्री किया कि हाँ हीरोइन बिना भी चलेगी हमको फिल्म? ये इस स्क्रिप्ट की एक खासियत थी कि जिसने भी इसको पढ़ा है, चाहे वो एक्टर हो चाहे वो प्रोड्यूसर हो, दे वर इंस्टेंटली ऑन बोर्ड। अच्छा, मतलब उन्होंने हमेशा से सुनने के बाद ही कहा कि हम ये फिल्म कहना चाहते हैं। सो उसके बाद फॉक्स स्टार आए तो हम लोगों ने साथ में ही इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है, और कभी ऐसा प्रेशर नहीं आया किसी भी तरीके से कि एक गाना लाया जाए या एक हीरोइन के लिए जगह बनाई जाए, बिल्कुल नहीं। एक स्टोरी ऐसी थी जहां किसी को लगा ही नहीं कि उसकी जरूरत है। इट्स एन एज ऑफ द सीट काइंड ऑफ अ थ्रिलर, और ऐसा लगा ही नहीं कि उसकी जरूरत है। तो अर्जुन कपूर के साथ जो दूसरे एक्टर्स हैं, उन्हें साइन करने में मतलब क्या प्रोसीजर रहा, कैसे सिलेक्शन हुआ? देखिए, सिलेक्शन है, जैसे अर्जुन के साथ जो एक्टर्स थे वो भी मुझे थोड़े नए चाहिए थे, थोड़े ऐसे चाहिए थे बिकॉज़ दे शुडंट स्टैंड आउट, जैसा आपने कहा, वो भी घुल मिल जाने चाहिए थे उसी सिनारियो में। तो जो हमारे कास्टिंग डायरेक्टर है कास्टिंग बे, उनसे मैंने मीटिंग की, उनको कहा कि मुझे इस तरीके, मैंने उनको ब्रीफिंग दी, फिर उन्होंने ऑडिशंस किए करीब 10-10, 15-15, 20-20 ऑप्शंस वो लेकर आए वो हर कैरेक्टर के लिए, और उसमें जो बेस्ट मुझे लगा कि जो सूट करते हैं उनको फिर लिया गया। कितने दिनों में आपने शूटिंग की? ये शूटिंग हमने 53 और 55 डेज में, ये पूरी प्लानिंग वैसी ही थी? जी बिल्कुल वैसी ही थी। हमने अगस्त में शुरू किया और हमने करीब अक्टूबर, मिड अक्टूबर या अक्टूबर एंड तक फिल्म खत्म हो चुकी थी। तो उसके बाद पोस्ट प्रोडक्शन लंबा चला? उसके बाद पोस्ट प्रोडक्शन, इट इज पोस्ट प्रोडक्शन हैवी?
नॉट आई वोंट से पोस्ट प्रोडक्शन हैवी, क्योंकि हमारा हमने रिलीज डेट हमारा सेट हो चुका था, तो थोड़ा ब्रीदर था हमारे पास कि हम अच्छे हम थोड़ा टाइम दें पोस्ट प्रोडक्शन में, एडिटिंग में थोड़ा टाइम दें, बैकग्राउंड स्कोर में थोड़ा टाइम दें, जो थोड़े स्पेशल इफेक्ट्स हैं उस पर टाइम दें, तो इसलिए वो थोड़ा समय मिला हमें उसको काम करने में, तो सो दैट वी कुड डू इट इन द बेस्ट पॉसिबल वे. यू नो, रिलीज डेट आपने कहा तय कर ली थी जी, अब कुछ फिल्में बाद में जुड़ी होगी, कुछ फिल्में पहले से होगी, चेंज होते रहते हैं शेड्यूल, लेकिन इत्तेफाक से आप सैंडविच हो गए इन बिटवीन. कलंक तो आके चली गई, SOTY2 आई, उसके तुरंत बाद एक हफ्ते बाद दे दे प्यार दे आई, उसके एक हफ्ते बाद आप आ रहे हैं, उसके दो हफ्ते बाद एक्समैन भी आ रही और हमारी भारत खुद आ रही है. तो आपको ऐसे लग रहा है कि आपकी फिल्म सैंडविच हो रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं. देखिए कोमल जी, आजकल तो हर हफ्ते फिल्म रिलीज होती है, बहुत बार तो दो दो फिल्में साथ में रिलीज होती हैं. मेरे ख्याल से अपनी इंडस्ट्री में और आगे जाके होंगी, तो मेरे ख्याल से मुझे अपने फिल्म पे पूरा भरोसा है. मुझे भरोसा है कि किस तरीके से हमने फिल्म बनाई है और जिस तरीके का माहौल है और जैसे जितनी जिस तरह से फिल्में रिलीज होती हैं, कोई ना कोई तो फिल्म या तो एक हफ्ते पहले आएगी, एक हफ्ते बाद आएगी या उसी हफ्ते आएगी, तो ये सिलसिला चलता रहेगा. और मुझे लगता है कि अभी वो समय है जहां जहां ऑडियंस, अगर दो फिल्में भी रिलीज होती हैं लेकिन मेरिट है उन फिल्मों में, तो वो दोनों फिल्म जाकर देखेंगे. आज ना देखें कल देखेंगे, कल ना देखें परसों देखेंगे. तो मेरे ख्याल से वी आर कॉन्फिडेंट ऑफ अबाउट आवर फिल्म. मुझे ऐसा प्रेशर फील नहीं हो रहा कि सैंडविच हो रहा हूं मैं किसी फिल्म. आपने कहा आज नहीं देखेंगे तो कल देखेंगे, और कल नहीं देखेंगे तो परसों देख लेंगे. जी, जी. लेकिन द होल गेम टुडे, एंड सब लोग इतने दीवाने हुए हैं कि फर्स्ट तीन दिन मेरे कैसे जाते हैं, पहला वीकेंड अच्छा गया तो चलो मैं पार हूं, ये वो प्रेशर से आप नहीं गुजर रहे हैं? नहीं देखिए, क्योंकि मेरी फिल्मों को अगर आप देखेंगे, फ्रॉम आमिर, नोवन किल, जैसिका, रेड, सारी फिल्मों का ये रहा है कि ये धीरे, अगर अगर नॉर्मल भी खुलती हैं तो वो ऊपर जाती हैं फिर. तो मेरे लिए मेरा हमेशा से रहा है कि कि कंटेंट पे ज्यादा ध्यान दिया जाए, और अगर वो कंटेंट अच्छा होता है तो किसी भी नंबर पे खुले, वो बड़ी हो सकती है, छोटी हो सकती है, मिड नंबर हो सकती है, लेकिन अगर कंटेंट अच्छा रहा तो वो ऊपर जाती ही जाती है, वर्ड ऑफ माउथ फैलता है और लोग आते हैं देखने के लिए. और जैसा आपने कहा ना कि दे शुडंट स्टैंड आउट, तो सिनेमेटोग्राफी जो शूटिंग का स्टाइल था वो भी उस प्रकार का ही था या शूटिंग नॉर्मल तरीके से? नहीं जी, बिल्कुल बिल्कुल. ये मेरे लिए बहुत जरूरी होता है कि कोई फिल्म देखे, मेरे लिए अच्छी सिनेमेटोग्राफी वो है कि कोई फिल्म देखकर निकले और बोले कि फिल्म फिल्म के बारे में कमेंट करे, सिर्फ निकलकर ये ना कहे कि अरे क्या अच्छी सिनेमेटोग्राफी थी. बिकॉज द सिनेमेटोग्राफी शुड सीमलेसली यू नो कॉम्प्लीमेंट व्हाट द फिल्म मेकर इज ट्राइंग टू से. बिल्कुल. तो उसी बात का ध्यान रखा गया है. मेरे सिनेमेटोग्राफर डडली हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी फिल्में की हैं, चेन्नई एक्सप्रेस, दिल वाले, तो हम सब काम करने की कोशिश कर रहे थे, पर मैंने उनको कहा कि देखिए मेरी फिल्म तो ये थोड़ी ग्रिटी है, थोड़ी एजी है, आपने बहुत से ग्लैमरस फिल्म किए हैं, बड़ी फिल्म लार्जर देन लाइफ की है, तो किस तरीके से हो पाएगा. तो वो उन्होंने दो टेस्ट किया. एक दिन आए मेरे ऑफिस में, कहा मुझे आपको दो चीज़ें दिखानी है, तो मैंने कहा कि आइए. और वो लेकर आए, तो उन्होंने जब मुझे पहला टेस्ट दिखाया तो वो बहुत ही ग्लैमरस था, बहुत ही ये था, तो मैंने देखा, फिर जब मैं उनकी तरफ टर्न करके मैंने देखा, बोला ये आपकी फिल्म नहीं है. फिर उन्होंने मुझे दूसरी दिखाई और वो बहुत ग्रिटी थी, थोड़ी ऐसी थी जो जो इस स्पेस में, थ्रिलर स्पेस में होती है, और उसको उन्होंने कहा कि ये आपकी फिल्म है जो कॉम्प्लीमेंट करेगी आपकी फिल्म को. तो उसी ये में हम गए और जिस तरीके से वो निकल कर आया है, आई एम वेरी हैप्पी विद दैट. And you are very happy, but I don't think you are very scared or you are very nervous. आप के चेहरे पर एक अलग किस्म का कॉन्फिडेंस लग रहा है मुझे. Am I right? yeah, मैं नर्वस था. मतलब जब हमने शो शुरू किए दिखाना, we had a cast crew. फिर दिल्ली में हमारी स्क्रीनिंग हुई, तो वी हैव स्टार्टेड. दिल्ली में किसके लिए हुई? दिल्ली में बहुत सारे अनसंग हीरोज के लिए हुई, जो सर्विसेज में जो लोग हैं, IAS, IPS, चाहे वो इंटेलिजेंस ब्यूरो वाले हों, बाकी लोगों के लिए एक स्क्रीनिंग की गई. पहली स्क्रीनिंग हमने उन्हीं के लिए, उन्हीं से स्क्रीनिंग हमने हमने शुरू की. एंड रिस्पॉन्स वॉज वेरी गुड. आप कह रहे हैं कि मैं क्यों रिलैक्स्ड हूँ, इस वजह से रिलैक्स, या तो शायद उस वजह से मैं. और कास्ट एंड क्रू की ट्रायल तो मुंबई में हुई होगी. जी जी जी. ओके ओके. तो दैट गिव्स यू द कॉन्फिडेंस. या दैट गिव्स मी द कॉन्फिडेंस आल्सो. जब जब आप कुछ 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 ऐसी कहानियां होती हैं जिन पे आपको कॉन्फिडेंस होता है
है। बहुत बार जब आप फिल्म बनाते हैं तो आप उस सिंसियरिटी के साथ बनाते हैं, और जब आप देखते हैं तो आपको एक 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 फुलफिलमेंट मिलता है, एक संतुष्टि मिलती करेक्ट है, आपको लगता है करेक्ट कि हाँ, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू मेक। करेक्ट, बहुत अच्छा। यस, विशिंग यू द वेरी बेस्ट। थैंक इस यू सो फ्राइडे को मच। रिलीज होने को है, एंड लेट्स जस्ट होप दैट जिस तरह आप की फिल्म रेड ने झंडे गाड़े बॉक्स ऑफिस पर, आपकी ये फिल्म भी उसी पद चिन्हों पर चले, उन्हीं पद चिन्हों पर चले। थैंक यू सो थैंक यू मच, सो मच, धन्यवाद। थैंक यू। तो दोस्तों, ये थे राजकुमार गुप्ता। इनकी फिल्म इंडियाज मोस्ट वॉन्टेड इज रिलीजिंग ऑन दिस फ्राइडे। ऑफकोर्स बहुत सारी फिल्में रिलीज हो रही है, लेकिन जैसा कहते हैं ना, इन्होंने ही कहा अभी, एंड विच इज अ फैक्ट, कि अगर दो या तीन फिल्में भी एक ही दिन रिलीज हो, अगर उनमें कंटेंट अच्छा हो, तो दो तीन फिल्में भी साथ में चल सकती है। एंड दिस हैज हैपेंड इन द पास्ट ऑल्सो। सो दैट्स इट, दिस फ्राइडे इंडियाज मोस्ट वॉन्टेड। ट्रेलर्स आपको पसंद आए हैं, एंड जिसे कहते हैं ग्रिटी थ्रिलर लग रही है, एंड थ्रिलर्स देखने में मजा कुछ और ही होता है। बट डोंट रिवील टू मच टू द पब्लिक और टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, बिकॉज उनका मजा किरकिरा ना करें। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हमारी मुलाकात कल फिर होगी ईटीसी बॉलीवुड बिजनेस के एक और मजेदार एंड एक्साइटिंग एपिसोड में। टिल देन, इट्स गुड बाय एंड गुड नाइट फ्रॉम मी।